एक निरा ढंग से पालन होगा महाशिवरात्रि। श्मशान में महाशिवरात्रि महादेव उद्देश्य से 101 दीप प्रज्वलन। महाशिवरात्रि जागर व्रत में अनेक मनस्कामना नहीं शिव मंदिर को दीप जाली भक्त मान समागम देखा मिलता है, किंतु केवे कहीं भी देखी नए श्मशान जागर पड़ा। यहीपरी एक निरा ढंग से महाशिवरात्रि 101 दीप को जाली जगत सिंहपुर जिला तीर्तोल ब्लक अंतर्गत गुआलीपुर ग्रामवासी मैंने। यही दीप प्रज्वलन उत्सव में अनेक साधु सत सहित छुआ बाबा महत्व थिला अनेक, कारण यही निरा ढंग से दीप जाली और मनीष समाज को एक प्रकार शिक्षा देवा छुआ बाबा लक्ष्य। यही साधु सत छुआ बाबा मत जे शिव महाप्रभु अधिकतम समय बीताई था मशाणी में, तेणु महाप्रभु को प्रसन्न करने को जगतर मंगल कामना अर्थ में निज निज गाँव में मशाणी 101 दीप न जाले भी गोटे दीप निश्चिंत जालंतु, एथिरे गाँवर मंगल सहित जगतर निश्चिंत मंगल। यहीपरी एक निरा दीप प्रज्वलन इतिहास रचिवा पर मन, कारण यहीपरी श्मशान में दीप जाली जगर पड़ा समग्र राज्य में कहीं केवे देखी नथिबे। जगत सिंहपुर सुमंत दास रिपोर्ट न्यूज एन ओडिया डॉट इन। आमे बाबाजी नीलांबर दास आज समेत मंदिर दिखती दीपदान आज मशाण दिया से विषय कह समे जार दुख हो सुख हो भल हो मंद हो शुभ कार्य जेको समय जदि मठ मंदिर जाती दीप दे दान करती किए शिव मंदिर दीप दिखती किए विष्णु मंदिर दीप दिखे किए माँ काली मंदिर दीप दिखे माँ दुर्गा मंदिर दीप दिखे किए जगन्नाथ मंदिर दीप दिखती जे जो जाती गोटे दीप दान कर आसती दीपटे प्रभु को समर्पण कर निजर दुख जन भलमंद पिला मानसिक अवस्था हो भलमंद मंगल पर रखी देखिए आसती एटी गोटे नुआ इतिहास सृष्टि भाई कथा मत लगुच एभली कार्यक्रम ओडिशा रे नियारा जे इथिपाई ए निकटरे वनबिहारी महाप्रभु अच्छा वनबिहारी महाप्रभु पाखक जिते पंचसखा मैंने थे पंचसखा मैंने दर्शन करने को आसती जिते वनबिहारी महाप्रभु को पंचसखा मैंने दर्शन करने को आसती से जगटी आम बर्तमान जो अच्छा पीठ बोली कौन ये क्षेत्र में से मैंने विश्राम करुले पंचसखा मैंने आसिले वनबिहारी महाप्रभु दर्शन करने विश्राम करती ये जगटी विश्राम स्थल होता समय पंचसखा मानक ये स्थानी देखने गोटे कष्ट लगुच ये स्थान किसी भी उन्नति होनी कौन से प्रमाण इतिहास को आम मन रखी ना जहाँ ना कहीं यहाँ हूँ गोटे श्मशान भूमि ये श्मशान आज 101 दीपदान कर श्मशान दीपदान बहु साधु संथ भक्त श्रद्धा आगंतुक ग्रामवासी मानकर सहयोग रे समस्ते मंगल कामना करती बाबाजी अष्टम पर्यंत समस्त मठ मंदिर में दीप जाती कितना आज यहीपाई आम ये दीप जाल व्यवस्था करूँ जे विश्व कल्याण निम्ते विश्व को जमी महामारी आसूँ देश देश भितर जमी राज्य राज्य भितर युद्ध विभीषिका बर्तमान जो भाई प्रसार भयंकर रूप धारण कर समस्त को नहीं जनसाधारण चलने सामाजिक परिवेश सृष्टि आरंभ करके पारिवारिक सुगठ आरंभ करके सबकि श्रृंखला और मंगल पर आम श्मशान 21,2101 दीपदान करार व्यवस्था करूँ से ओडिशार बहु अंचल साधु सन्ध मैंने आस पहुँचे आउ कि साधु मैंने आँचे पहुँची जी तुम बाबाजी अवधूत दास छुआ बाबाजी नाम परिचित उनावधिके बाबाजी नागा संप्रदाय दीक्षित होता बाबा बलराम दास गिरी महाराज भी जानती विशेषकर मोर गुरुकुल आश्रम गोवर्धनपुर मातामठ तीर्तोल जिला तीर्तोल ब्लक अंतर्गत जगतसिंहपुर जिला एवं निजस्व आश्रम यही मध्यमर गुआलीपुर ग्राम वनबिहारी महापुरुषंकर पीठ अंतर्गत गंगा तीर्थ श्मशान घाट में बास करुथिबारु श्मशान घाट छुआ बाबा आज केते दीप लागिबो केते लोक आसिबे से विषय कहबे आज्ञा आज्ञा ये तो गोटे जोड़े नुहे कि 100-200 मध्य नुहे ये मध्य मंदिर नुहे कि आश्रम नुहे एक श्मशान दीप दान कर जनजगतर आम गुआलीपुर गाँव गुआलीपुर पंचायत तथा विश्ववासी समग्र भारत एवं समग्र विश्वपाई 101 दीप दान कर गुरु ब्रह्म महिमा आलेख मो नाम दास बमिखाल वर्तमान नखरा मायामय प्रभु प्रपंचमय जगत ए जीव सृष्टि जीव मान पापकंदर्मरु उत्तीर्ण करिबा निमन्ते जुगे जुगे महापुरुष माने साधु रूपरे अवतीर्ण होइथान्ति जहाँ जगतर कल्याण निमन्ते सेमानंकर आशीर्वाद रूपक पुष्पवृष्टि समाज परिपुष्टता आणिदिए आज समाज एक अवक्षय होबाकु जाउछि जहाँ समाज पई बड़ अवक्षयर प्रस्ताव तेणु आज साधु समाज कोणे कोणे
ଅନୁକୋଣରେ ସମସ୍ତ ବର୍ଗରେ ଆଜି ଏ ଜୀବଜଗତର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ତ୍ରାଣ ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆର୍ତ୍ତ ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଜି ନିଜ ଅଙ୍ଗରେ ଅଙ୍ଗ ଭିଡ଼ି ସାଜସଜା ହୋଇ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରଭୁ ସେ ଶୂନ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପରିପୃଶ୍ୟରେ କରକମଳ ତଳେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ଆଜି ସେ ଦୀପଦାନ କରାଯାଉଛି। ମନିକା ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଗୁହାଳିପୁର। ଆଜି ଛୁଆ ବାବାଙ୍କର ଆଜି ଦୀପଦାନ ହେଉଛି। ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପଦାନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଶାଣି ଦିଅନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କାହାଣୀ ବିଷୟଟି କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ମଶାଣି ହେଉଛି ଶିବଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳୀ, ଯେଉଁଠି ମହାଦେବ ସଦାସର୍ବଦା ମଶାଣିରେ ରୁହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମଶାଣିରେ ଦୀପଦାନ କରାଯିବ, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନର ସମାରୋହ କରାଯିବ, ଆଉ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଜି ଆମେ ଶୁଣା ପାଇଛୁ ଯେ ସବୁ ଦୀପଦାନ ମନ୍ଦିରରେ ହୁଏ, ତାଙ୍କର ମଶାଣିରେ ତାଙ୍କ ସେଇଟା ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଏ ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗା ତୁଠ ଆଶ୍ରମ ଶ୍ମଶାନରେ ହେଇଛି, ଛୁଆ ବାବାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କରାଯାଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟ ଜାଗା। ଏଇଟା ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବହୁତ ଇଏ ସ୍ଥଳୀ, ବିଶ୍ରାମସ୍ଥଳୀ। ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ ବାବା ଛୁଆ ବାବା ଆଜି କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଭକ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ,